नमस्कार बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये जो भी आपके टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं केवी पीआरटी का जो एग्ज़ाम है और यूपीएससी यूपीपीएससी कोई भी अगर स्टेट लेवल के जो भी पी के एग्जाम्स होते हैं कोई भी एग्जाम से कॉम्पिटेटिव बेस्ड उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मार्क्समैन बुक से लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया था तो ये किया था डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग तो एलन ट्यूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डेवलप किया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डिजिटल कंप्यूटर वॉज इन तो डिजिटल कंप्यूटर जो है सबसे पहली बार कहां डेवलप हुआ था ए डेवलप हुआ था ब्रिटेन में तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज मेड बाई तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया था तो जिसके जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं उन्होंने ही पहला कंप्यूटर बनाया वो कौन है चार्ल्स बैबेज है तो इसमें सी ऑप्शन क्वेश्चन फोर्थ में कहा गया हु इज टू बी फादर ऑफ कंप्यूटर तो आपसे वही देखिए अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है तो ये कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा तो इसमें बी बी ऑप्शन जो है विल द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं फॉर विच वर्ल्ड द लेटर जी हैज बीन यूज्ड इन टू जी स्पेक्टम तो देखिए टू जी थ्री जी फोर जी इसमें आपको बताना जी जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है तो जी जो है वो है जनरेशन ठीक है तो इसमें सी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा गया पेड्राइव पेनड्राइव क्या होती है तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है अ फिक्स सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट गलत है मैग्नेटिक होती है ये भी गलत है मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं होता है रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट ये आपका सही है तो रिमूवेबल होता है मतलब इसको आप लगा भी सकते और फिर बाद में निकाल भी सकते हैं तो रिमूवेबल है नेक्स्ट पे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन नंबर में क्या कहा गया माउस क्या होता है माउस पहला दिया गया मेमोरी है गलत है CPU है गलत है ये एक इनपुट डिवाइस है क्या है इनपुट डिवाइस है ठीक है तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दैट इज इनपुट डिवाइस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस तो आपको बताने उनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है कौन सी नहीं है तो माउस जो है दैट इज अ इनपुट डिवाइस ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस अब आपको बताना इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है ठीक है फिर से वैसे ही क्वेश्चन है तो टच स्क्रीन जो है ये एक इनपुट डिवाइस आएगी बाकी मॉनिटर प्रिंटर और प्लॉटर ये तीनों तीनों क्या है आउटपुट डिवाइस है टच स्क्रीन इसमें सिर्फ एक इनपुट डिवाइस आपको मिलेगी विच ऑफ विच इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टूडे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा कॉमन जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है तो मदरबोर्ड नहीं सीपीयू भी नहीं की बोर्ड जो है दैट इज एन इनपुट डिवाइस तो यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन में, में कहा गया द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टूडेज देखिए इनमें से अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे कॉमन जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है माउस है ठीक है द बॉडी ऑफ माउस यूज इन कंप्यूटर वॉज डिजाइंड अबाउट फोर्टी ईयर्स बैक मतलब आज से अगर चालीस साल पीछे चले आए तो माउस की माउस को डिज़ाइन किया गया था इट वॉज मेड अप ऑफ डैश तो ये किस जब वो बना था वो किसका बना हुआ था तो ये वुड का बना था तो जो पहला माउस बना था वो किसका बनाया गया था वुड का मतलब लकड़ी का बनाया गया था याद रखिएगा नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन में कहा गया आफ्टर द डबल क्लिक ऑफ द माउस द इनफॉर्मेशन गोज टू डैश तो देखिए जब आप डबल क्लिक करते हैं माउस की तो इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचती है तो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है सी में तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पहुँचती है नेक्स्ट पे आते हैं फोर्टीन में कहा गया इन विच पोल्ट डू यू प्लग इन केबल ऑफ योर की बोर्ड तो जो केबल होता है की बोर्ड का इसको कहाँ पे प्लग इन किया जाता है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में तो ये किया जाता है यूएसबी पोर्ट में ठीक है तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है और यू एस बी का फॉर्म याद रखिएगा यूनिवर्सल सीरियल बस होता है ठीक है क्वेश्चन फिफ्टीन पे आता है नेटवर्क ऑफ़ नेटवर्क इज़ सिंपली कॉल्ड तो देखिए जो नेटवर्क ऑफ इंटर नेटवर्क होता है उसको कहते हैं इंटरनेट ठीक है तो इंटरनेट क्या होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट इज इंटरनेट अब देखिए इंटरनेट के बारे में पूछा गया है कि इंटरनेट होता क्या है तो इंटरनेट क्या होता है नेट फॉर कैचिंग फिश बिल्कुल गलत नेम ऑफ बास्केटबॉल चैंपियनशिप ये भी बिल्कुल गलत है सिस्टम ऑफ ट्रैकिंग मूवमेंट ऑफ रेलवे ये भी, भी गलत है इसमें जो डी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट इसमें कहा गया है एन इंटरनेशनल कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन देखेंगे सेवेंटीन में क्या कहा गया देखिए सेवेंटीन में कहा गया है स्लोवेस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस इज तो इनमें आपको बताना है सबसे स्लोवेस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस कौन सी होगी तो डायलप सर्विस जो होती है वो स्लोवेस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस होती है नेक्स्ट पे आते हैं एटीन में कहा गया द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट एनी वेबसाइट इज नोन एज तो देखिए जो पहला पेज आप लोग को किसी वेबसाइट पे दिखता है कोई भी आप वेबसाइट खोलते हैं तो जो पहला पेज दिखता है उसको क्या कहा जाता है उसको होम पेज कहा जाता है तो इसमें ए ऑप्शन सही है ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है इंटरनेट सिस्टम यूजेज ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी तो इंटरनेट सिस्टम जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है तो ये टेक्नोलॉजी जो है इसका नाम है ट्री ठीक है तो ट्री टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है इंटरनेट नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में कहा गया द सर्विस ऑफ इंटरनेट दैट प्रोवाइड्स ऑडियो एंड वीडियो कन्वर्सेशन तो देखिए जो ऑडियो और वीडियो कन्वर्सेशन होता है तो उस सर्विस को क्या कहा जाता है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया तो इसको कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं नेक्स्ट पे आएंगे नेक्स्ट में कहा गया द इंटरनेट वर्क ऑन तो इंटरनेट किस चीज पे काम करता है पूछा गया आपसे फर्स्ट सर्किट स्विचिंग ओनली पैकेट स्विचिंग ओनली बोथ सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग और चौथा दिया है नन ऑफ दी अबव तो यहां पर होता क्या है इंटरनेट काम करता है पैकेट स्विचिंग ओनली तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ आप लोग को याद कर लेने हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन में एज एट इज आप लोग से पूछे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है इसमें कहा गया इथरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ तो इथरनेट जो होता है वो किस चीज़ का एग्जांपल है तो ये एल ए एन एल एन का मतलब लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क और वायर जो वायरलेस फीडिलिटी होती है वो वाईफाई है तो इसमें बी ऑप्शन फिलहाल सही हो जाएगा एम एच डॉस वॉज फर्स्ट रिलीज इन ईयर डैश तो आपको बताना है एम एस डॉस किस ईयर में आया था तो ये आया था नाइनटीन एट्टी वन में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई डिवाइसेस तो ब्लूटूथ और वाईफाई में डिफरेंस क्या होता है ये आपको बताना है तो ब्लूटूथ में जो ए ऑप्शन दिया है वही इसका सही हो जाएगा ब्लूटूथ यूजेस 2.4 पॉइंट फोर जीगा हल्टस रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड वेर एज वाई फाई यूजेज टू पॉइंट फोर जीगा और फाइव जी गर्ट्स फ्रीक्वेंसी बैंड तो देखिए ब्लूटूथ जो फ्रीकवेंसी बैंड यूज करता है वो होता है टू पॉइंट फोर जीगा हल्टस वेर एज वाईफाई जो यूज करता है वो टू पॉइंट फोर जी गा भी हो सकता है और फाइव जी गार्ड्स भी हो सकता है नेक्स्ट बैंक क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में क्या कहा गया ट्वेंटी फाइव में कहा गया है द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन द कंट्री टू प्रोवाइड गूगल फ्री पब्लिक वाईफाई सर्विस तो गूगल जो गूगल की पहली वाईफाई सर्विस है वो भी फ्री वो कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसने प्रोवाइड करी ठीक है तो ये था मुंबई रेलवे स्टेशन तो इसमें बी ऑप्शन सही है क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स में कहा गया द कंप्यूटर सिस्टम विच लिंक्स एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन अमंग डिफरेंट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड थ्रू सैटेलाइट इज नोन एज देखिए ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो क्या करता है लिंक करता है स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को अलग अलग कंट्रीज़ की या अलग अलग कंट्रीज से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको स्टोर करने का सैटेलाइट से कौन करता है कौन सा कंप्यूटर ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में तो ये करता है निकनेट ठीक है तो इसमें डी ऑप्शन सही है निकनेट इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वॉट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वो होता है ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया वो इसका सही है सीधे आपको आंसर बता देते हैं इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक इंटरनेट दैट प्रोवाइड्स यूजर टू एक्सेस देयर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क वाइल्ड मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ठीक है तो जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है उसकी सिक्योरिटी पूरी रहेगी लेकिन ये क्या होगा जैसे आप किसी भी फर्म में काम कर रहे हो तो फर्म में क्या कर सकते हो आप किसी भी किसी भी मतलब नेटवर्क को आप यूज़ कर सकते हो मतलब किसी भी यूज़र को आप एक्सेस कर सकते हो जैसे मेनटेन करने के लिए बहुत सारे कामों के लिए चीज़ होती है ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं द लेयर बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर नेटवर्क इज़ नोन एज ठीक है तो ऐसी लेयर जो फिज़िकल और नेटवर्क के बीच में होती है ठीक है तो ऐसी लिंक जो फिजिकल और नेटवर्क के बीच में होती है उसको कौन से उसको कौन सी लेयर कहते हैं पूछा गया है, तो उसको बोलते हैं डेटा लिंक लेयर ठीक है तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन में आते हैं तलाश क्या होता है मतलब तलाश के बारे में बताना है तलाश क्या है तो पहला नेवी एयरक्राफ्ट नहीं है तो ए गलत है बी में कहा गया रिसेंटली डबल मिसाइल डेवलप्ड मिसाइल भी गलत है इसमें सी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट अ मल्टी मीडिया पोर्टल ऑन इंटरनेट एंड ओ सी आर सॉफ्टवेयर इन देवनागरी डेवलप बाई सी डैक तो सी डैक एक मतलब भारत की पी एस यू है जो कि जिसका हेड ऑफिस पुणे में है और इसी ने एक चीज एक ये कह है सकते हैं सॉफ्टवेयर टाइप का डेवलप किया था उसी का नाम है तलाश नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट में कहा गया टू सेव गार्ड अगेंस्ट साइबर अटैक्स एंड थ्रेट्स ऑफ डेटा द सेंटर हैज़ डेवलप्ड अ न्यू सॉफ्टवेयर कॉल्ड अब देखिए यहां पर देखिए फिर से सीडैक की बात करी गई सीडैक ने एक और सॉफ्टवेयर डेवलप किया एक तरीके से वायरस को रोकने का उसको कहते हैं नयन तो इसका नाम था नयन नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इंडिया मैन्युफैक्चर्ड सुपर कंप्यूटर परम इन अब देखिए परम आपको पता होगा भारत का मतलब उस समय का सबसे तेज़ मतलब बहुत पहले की अगर बात करी जाए तो सुपर फास्ट कंप्यूटर था बिल्कुल भारत का इस समय अगर देखा जाए तो सबसे तेज़ कंप्यूटर जो है भारत का उसका नाम है प्रत्यूष ठीक है लेकिन फिलहाल आपसे कहा क्या कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई थी परम की ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में तो जो परम की मैन्युफैक्चरिंग हुई थी वो पुणे में हुई थी मतलब सीडैक में हुई थी ठीक है सीडैक कहाँ पर है पुणे में लोकेटेड है फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड इंडियन सुपर कंप्यूटर इज नेम्ड तो पहला जो सुपर कंप्यूटर बना था उसका नाम आपको बताना है क्या था तो उसका नाम था परम और कहाँ बना था सी डैक पुणे में बना था द नेम ऑफ़ इंडिया इंडियन सुपर कंप्यूटर इज तो इसका नाम है परम तो इसमें भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर देखिए इंडियन सुपर कंप्यूटर का फादर किसको कहलाया कहा जाता है यह आपको पूछा गया है तो इसमें है विजय भटकर तो इसमें बी ऑप्शन याद रखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इंडियन सुपर कंप्यूटर का फादर कौन है तो यह है विजय भटकर नेक्स्ट पे आते हैं थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट डेवलप बाय बार्क तो यहां पर आपको बताना है बार्क ने जो सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट डेवलप किया है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है अनुपम नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स वर्ल्ड लेंथ फॉर सुपर कंप्यूटर रेंज अप टू तो जो वर्ल्ड लेंथ है सुपर कंप्यूटर की उसकी रेंज क्या होती है तो ये होती है सिक्सटी फोर बिट्स नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन को देखेंगे अमंग फॉलोइंग विच इज लार्जेस्ट फास्टेस्ट एंड कॉस्टलीस्ट कंप्यूटर तो इसमें आपको बताना है सबसे तेज सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है तो सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा सबसे बड़ा और सबसे तेज होगा नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन थर्टी एट में कहा गया है द वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर हैज़ बीन एबल टू परफॉर्म देखिए दिसंबर 1996 की बात करी गई है तो उस समय अगर देखा जाए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं तो उस समय क्वेश्चन पूछा गया था तो आपको पूछा गया है कि उस समय का जो कंप्यूटर था वो कितने ऑपरेशन एक साथ में परफॉर्म कर सकता था ठीक है तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो टेन टू की पावर ट्वेल्व ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता था एक सेकेंड में थर्टी नाइन पे आते हैं विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट लीव्स इन फैसिस ऑन विच ऑफ़ द फॉलोइंग तो विद्या वाहिनी जो प्रोजेक्ट एक बार लॉन्च हुआ था भारत में ठीक है अभी कुछ दिन पहले की बात है दो हज़ार सोलह सत्रह की बात है तो ये किसके लिए हुआ था तो कंप्यूटर एजुकेशन के लिए हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे फोर्टी में कहा गया सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब इनोग्रेटेड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज देखिए सुपर कंप्यूटर जिसका नाम मैजिक क्यूब था तो ये किस कंट्री ने प्रिपेयर किया था तो ये प्रिपेयर किया था चाइना ने तो इसमें बी ऑप्शन सही है नेक्स्ट पे आते हैं वाई टू के परफॉर्मस वाई टू के प्रॉब्लम रिलेट्स टू तो वाई टू के जो प्रॉब्लम है किस चीज से रिलेटेड है तो ये जो इसका सी ऑप्शन है ये इसका सही है टू फाइंड अ सुटेबल रिप्लेसमेंट विन द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द ईयर बिकम जीरो जैसे ईयर टू थाउजेंड है तो आप देख सकते हैं आखिरी के दो डिजिट क्या हो गए जीरो हो गए ना तो ऐसे प्रॉब्लम्स को कहते हैं वाई टू के मतलब ईयर टू के नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन फोर्टी टू में कहा गया एट द एंड ऑफ दिस सेंचुरी देर विल अ ग्रेट डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ एक्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स एंड एक्सपेंडिचर टू रेक्टिफाई दम दे आर डैश ठीक है तो मतलब ट्वेंटी सेंचुरी की बात करी गई जैसे ट्वेंटियथ सेंचुरी जब हन डूआ है तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हुई थी क्योंकि वाई टू के अली प्रॉब्लम की बात करी गई है यहाँ पर तो वाई टू की प्रॉब्लम हुई थी तो इसका मतलब कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली थी नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी में विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग ठीक है तो स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट कंप्यूटर बताना है इनमें से कौन सा है तो ये कहलाता है क्वांटम कंप्यूटर नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट मैच्ड अब आपको पता नहीं इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो मैच नहीं है ठीक है तो पहला दिया गया वाई टू के कंप्यूटर से रिलेटेड है ऑथोराइटिज़ यूरिक एसिड से होता है नॉइस पॉल्यूशन की यूनिट डेसिबल है लेकिन जो परम है लैंड टू तो लैंड मिसाइल नहीं है परम टेन थाउजेंड एक तरीके से क्या है सुपर कंप्यूटर है तो इसमें डी ऑप्शन गलत है नेक्स्ट पे आते हैं फोर्टी फाइव में कहा गया डब्ल्यू एल एल मीन्स तो डब्बू एल एल का मतलब क्या होता है तो वायरलेस इन लोकल लूप तो डब्ल्यू एल एल का मतलब होता है वायरलेस इन लोकल लूप क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स पे आते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज सिचुएटेड इन तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कहाँ पर सिचुएटेड है तो ये सिचुएटेड है देहरादून में ठीक है तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून यहाँ पर इंटर इंडियन फॉरन रिसर्च इंटर इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लोकेटेड है ये भी आप लोग याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोटी में कहा गया है इंडियन, इंडियन रिमोट सेंसिंग फिर से वही देहरादून आ जाएगा साइकिल एंड कार्स यूज स्मॉल बॉल बियरिंग्स बिकॉज देखिए बॉल बेयरिंग यूज करती हैं साइकिल और कार्स क्यों यूज करती हैं क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें सी ऑप्शन सी हो जाएगा इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सेल इज रिड्यूस्ड क्योंकि पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है जब सर्कुलर जब कोई स्फेरिकल चीज़ टच करेगी सर्फेस को तो एक पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो गया तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो इसमें सी ऑप्शन सही है नेक्स्ट में आते हैं विच इंडस्ट्रीज प्राइमरी यूजर ऑफ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर तो एम का मेनली यूज कौन सी इंडस्ट्री कर रही है ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो एम आईसीआर का जो मेनली यूजर है ये कौन है बैंक है क्योंकि माइकर चेक होते थे पहले आज भी अगर देखेंगे कहीं ना कहीं लागू हैं तो माइकर चेक जो है वो मेनली बैंक्स में यूज होते हैं तो बैंक्स विल बी द करेक्ट आंसर फिफ्टीथ में आते हैं विच टाइप ऑफ कंप्यूटर मोस्ट वाइडली तो सबसे ज्यादा वाइडली यूज कौन से कंप्यूटर हैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है ठीक है तो यहाँ पर तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर देखिए कहा गया था विच टाइप ऑफ कंप्यूटर मोस्ट वाइडली यूज तो सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाला कंप्यूटर कौन सा है इनमें से तो ये है आपका माइक्रो कंप्यूटर तो इसमें जो डी ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी तो 51 क्वेश्चन में देखिए कहा गया है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन डिजिटल वॉचेस तो डिजिटल वॉच में जो कंप्यूटर पाया जाता है वो कौन सा है तो वो कहलाता है एम्बेडेड कंप्यूटर तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फिफ्टी टू में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेज़र रे इज़ यूज इन लेज़र प्रिंटर तो लेज़र प्रिंटर में जो लेज़र रे यूज़ करी जाती है उसका क्या नाम है मतलब वो कौन सी होती है वो होती है सेमी कंडक्टर लेज़र तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं विच प्रिंटर इज़ यूजली यूज फॉर डेस्कटॉप प्रिंटिंग तो डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए जो प्रिंटर यूज होता है वो कौन सा होता है तो वो होता है लेज़र प्रिंटर ठीक है तो डेस्कटॉप से जो घरों में यूज़ होता है मेनली वो लेज़र प्रिंटर होता है डेजी व्हील प्रिंटर इज़ अ टाइप ऑफ तो डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो उसका वो किसका टाइप है तो वो एक इंपैक्ट प्रिंटर का टाइप है ठीक है तो इसमें डी ऑप्शन सही है नेक्स्ट पे आते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू ई डब्ल्यू डब्ल्यू डब्लू ऑन इंटरनेट स्टैंड फॉर तो वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है डब्लू डब्लू डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब तो इसमें सी ऑप्शन सही है और इसकी खोज करी थी टिम बर्नर्स ली ने भी याद रखेगा हु अमंग द हु फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड एज इन्वेंटर ऑफ डब्ल्यू 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 तो देखिए भाई पूछा गया डब्ल्यू 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 के इन्वेंटर कौन थे तो ये थे टिम बर्नर्स ली दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट पे आते हैं वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ हाइपर मीडिया सिस्टम बिकॉज तो देखिए डब्ल्यू 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 जो है वो एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्यों बिकॉज इट लिंक्स टू अदर कंप्यूटर रिसोर्सेज ये क्या करता है ये दूसरे कंप्यूटर के रिसोर्स को क्या करता है लिंक करने में मदद करता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट पर आते हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउज डैश तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या अलाउ करती है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में ठीक है तो सिग्नल ट्रांसमिशन गलत है लैंडलाइन फ़ोन टू मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन गलत है सेटेलाइट टेलीविजन कम्युनिकेशन भी गलत है तो इसका सही आंसर क्या है वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन इक्विपमेंट तो वायरलेस कम्युनिकेशन देता है लेकिन किसमें बिटवीन इक्विपमेंट्स दो इक्विपमेंट के बीच में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन्फोटेक टेक्नोलॉजी तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसमें से कौन सा टर्म नहीं है यह आपको इस क्वेश्चन में बताना है ठीक तो है तो साइबर स्पेस है अपलोड भी है ऑप्टिकल स्टोरेज नहीं है तो इसमें सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर मॉडर्न भी होता है मॉडर्न ग मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर नेक्स्ट पे आते हैं फिफ्ट सिक्सटीथ में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फोटेक टेक्नोलॉजी मतलब यहाँ पर भी देखा गया है पूछा गया है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कौन सा टर्म रिलेटेड नहीं है तो पिनाका क्या है पिनाक एक जो है मिसाइल है तो इसमें ये ऑप्शन गलत हो जाएगा ठीक है बाकी सबके सब इफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स हैं नेक्स्ट में बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो देखिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टर्म है वो इसमें से कौन सा है तो वो है लॉग इन ठीक है लॉगिन है प्रोटोकॉल है आरकाई भी है तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा मीस ऑल ऑफ दिस इज़ दी करेक्ट आंसर ठीक है सिर्फ लॉग नहीं होगा तीनों के तीनों इसके सही हैं क्वेश्चन सिक्सटी में कहा गया सेट ऑफ़ रूल्स दैट गवर्नस डेटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ठीक है तो देखिए सेट ऑफ़ रूल्स होते हैं और ये क्या करते हैं गवर्न करते हैं डेटा कम्युनिकेशन को इनको क्या कहा जाता है तो इनको कहा जाता है प्रोटोकॉल्स तो इसमें ए ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट क्वेश्चन सिक्सटी थ्री पे आते हैं साइबर लॉ टर्मोलॉजी डॉस मींस तो देखिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये जो डॉस है ये क्या होता है इज़ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चे ऐसा सोचेंगे और इस पर बी ऑप्शन पे टिक कर देंगे लेकिन कहा गया है साइबर लॉ के टर्म्स में बताना है डी डॉस क्या होता है तो ये होता है डिनाइल ऑफ सर्विस तो इसमें याद रखिएगा डी ए ऑप्शन जो होगा दैट इज दी करेक्ट आंसर सिक्सटी फोर में आते हैं इन दंटेक्सट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी क्रैकर्स आर नोन एज तो क्रैकर्स क्या होते हैं ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में तो क्रैक crack, क्रैकर्स uh, कहलाते हैं ब्लैक हेड क्रैकर्स ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया सिक्सटी फिफ्थ है जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड तो जंक ईमेल जो होता है उसको क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है स्पैम ठीक है स्पैम आप लोग ने देखा मेल पे आता है तो एक तरीके का जंक ईमेल है द वर्ड स्पैम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग तो स्पैम जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है मेल से रिलेटेड है पता होना चाहिए सेंडिंग एन आइडेंटिकल ई मैसेज रिपीटेडली टू पर्टिकुलर एड्रेस बाय एनी एब्यूसर कोई भी एब्यूसर है वो अगर आप लोग को कोई पर्टिकुलर मैसेज भेज रहा है लगातार तो उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं ई मेल बॉम्बिंग ठीक है तो इसमें सी ऑप्शन सही है डक डक गो इज अ डैश तो डक डक गो क्या है तो डक डक गो जो है वो एक सर्च इंजन है तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन पे आते हैं याहू गूगल एम एस एन आर डैश तो याहू हो गया गूगल हो गया एम एस एन हो गया तो ये सब क्या है तो ये इंटरनेट की साइट्स हैं वेबसाइट्स हैं ये नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट देखते हैं विच वेब ब्राउज़र वॉश डेवलप बाय गूगल तो गूगल ने जो वेब ब्राउज़र बनाया वो कौन सा था तो गूगल क्रोम था ठीक है आज भी लोग उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र तो इसमें बताना है कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है तो ओपेरा हो गया गूगल एप्स वीवालडी और मोजिला फायरफॉक्स तो इनमें से वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है ये आपको बताना है तो गूगल ऐप जो है ये वेब ब्राउज़र नहीं है नेक्स्ट पे आएंगे वाई मैक्स इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग तो वाई मैक्स ठीक है वाईफाई से रिलेटेड है वाई मैक्स आपको बताना है किस टर्म से रिलेटेड है मतलब किसके टर्म से रिलेटेड है तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट पे आते हैं 73 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर टर्म तो आपको बताना है इनमें से कंप्यूटर का टर्म कौन सा नहीं है कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म कौन सा नहीं है तो सिम नहीं है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है इसका फुल फॉर्म तो सिम इज़ नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर नेक्स्ट पे आते हैं कंप्यूटर वायरस इज़ अब कंप्यूटर वायरस क्या होता है तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है फंगस बैक्टीरिया वायरस ये सब नहीं होता ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव पे आते हैं फाइव देखते हैं क्या कह रहा है व्हाट इज द वायरस दैट स्प्रेड्स इन कंप्यूटर तो वायरस है क्या तो वायरस एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है ठीक है नेक्स्ट बैंक सेवेंटी फाइव में सेवेंटी सिक्स में कहा गया कंप्यूटर वायरस इज कंप्यूटर वायरस क्या होता है कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन रिप्लीकेट इट्सल्फ तो इसमें ए जो है दैट इज़ दी करेक्ट आंसर जो अपने आप से बदल सकता है चेंज हो सकता है अपने आप से बढ़ सकता है इसी को कहते हैं कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं सेवेंटी सेवन देखेंगे सेवेंटी सेवन में देखिए क्या कहा गया अ कंप्यूटर वायरस इज़ अ तो ये क्या है तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं होता इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम नेक्स्ट पे आते हैं सेवेंटी एट में कहा गया कंप्यूटर वायरस मीन्स अब कंप्यूटर वायरस क्या होता है फिर से पूछा गया है तो एक तरीके का है डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है सेवेंटी नाइन में आते हैं प्रोग्राम दैट हैज कैबिलिटी टू इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम एंड मेक कॉपीज ऑफ इट सेल्फ एंड स्प्रेड इन टू प्रोग्राम्स इज कॉल्ड तो इसको क्या कहेंगे हम लोग इसको कहेंगे अब देखिए यहाँ पे वॉर्म दे दिया वायरस दे दिया ट्रोजन दे दिया ये सबके सब एक तरीके से वायरस ही हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वायरस द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं फायरवॉल इज़ यूज इन कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम तो फायरवॉल क्यों क्यों यूज़ किया, तो किया जाता है तो अनऑथोराइज अटैक को प्रिवेंट करने के लिए फायरवॉल को यूज़ किया जाता है ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट्टी है अमेरिकन टेलीविजन एंड टेलीग्राफ हैज़ डेवलप्ड सच कंप्यूटर प्रोसीजर विच गिवस मल्टी यूजर इन्वायरमेंट ठीक है अब आपको बताना है कौन सा ऐसा कंप्यूटर uh, मतलब कौन सा ऐसा ये कह सकते हैं कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट देता है तो वो है यूनिक्स ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है विंडोज़ थ्री अ पॉपुलर विंडोइंग इन्वायरमेंट वाज रिलीज बाय माइक्रोसॉफ्ट देखिए विंडोज थ्री की बात करी गई है विंडोज थ्री कब रिलीज़ हुआ था आपको बताना है तो नाइनटीन में विंडोज़ थ्री रिलीज़ हुआ था माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किया था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप बाय तो विंडोज जैसे आप लोग यूज़ करते हैं विंडोज़ सेवन विंडोज़ टेन ठीक है विंडोज इलेवन जो भी चीज़ें हैं तो ये सब कौन डेवलप करता है तो माइक्रोसॉफ्ट इसको डेवलप किया है नेक्स्ट पे आते हैं विंडोज सॉफ्टवेयर हैज बीन डेवलप्ड बाय फिर से वही क्वेश्चन आ गया तो माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा इसमें आंसर नेक्स्ट में कहा गया ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताना इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यूनिक्स जावा और एकल एम एस ऑफिस तो इसमें जो यूनिक्स है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जावा लैंग्वेज है, है और एक्ल भी लैंग्वेज है और एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है नेक्स्ट पे आते हैं 86 में कहा गया इन माइक्रोवेव अवन द माइक्रोवेव टू ट्यूब यूज इज़ अब देखिए माइक्रोवेव जो ट्यूब होती है वो क्या होती है तो ये मैग्नेट्रॉन ट्यूब है ठीक है तो ये मैग्नेटिक या मैग्नेट्रॉन ट्यूब होती है याद रखिएगा नेक्स्ट पे आते हैं एट्टी सेवन में कहा गया मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड बाय तो जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो क्या है बिट्स है ठीक है वन बाइट में एट बिट होते हैं बाइनरी नंबर्स कौन कौन से होते हैं तो ज़ीरो एंड वन होते हैं पता होना चाहिए आप लोग को ज़ीरो का मतलब होता है ऑफ वन का मतलब होता है ऑन इन बाइनरी कोड सेवन इज रिटर्न एज तो सेवन को लिखने का तरीका क्या है बाइनरी कोड में आपको बताना है तो वन 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 जो हो जाएगा ये बाइनरी कोड हो जाएगा सेवन का ठीक है क्योंकि ये टू की पावर टू पे आ जाएगा प्लस ये वाला जो हो जाएगा टू की पावर वन हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा टू की पावर जीरो पहला वाला वन ठीक है तो ये हो जाएगा फोर प्लस टू प्लस वन मतलब कितना हो जाएगा सेवन तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट पे आते हैं बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स तो बाइनरी लैंग्वेज में कितनी डिजिट्स होती हैं तो दो होती हैं जीरो और वन होती हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड तो आपको बताना है इसमें से सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड कौन सा है तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड होता है फाइव टू वन वन कोड ठीक है याद रखिएगा सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड अगर आपसे पूछा जाए तो होता है फाइव टू वन वन नेक्स्ट में बोला गया बाइनरी एडिशन ऑफ वन प्लस वन विल गिव ठीक है वन प्लस वन आपको क्या देता है तो वन प्लस वन देता है जीरो विद कैरी वन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री देखेंगे नाइनटी थ्री में कहा गया मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कॉमनली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ किलो बाइट और एम बी अ बाइट इज मेड अप ऑफ डैश ठीक है तो एट बाइनरी डिजिट से बाइट बनता है याद रखिएगा वन बाइट में आठ बिट होते हैं ठीक है थीके? इस तरीके से ये आप लोग को पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर में आते हैं कलेक्शन ऑफ एट बिट अगर आठ बिट हैं कहीं पे तो उसको क्या कहेंगे उसको हम लोग कहते हैं निबल ठीक है तो आठ बिट को नहीं आठ बिट को क्या कहेंगे आठ बिट, बिट को कहेंगे बाइट ठीक है यहाँ पर एट बिट का कॉम्बिनेशन है ना वन बाइट में एट बिट होते हैं निबल नहीं कहलाएगा वो अच्छा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएगा कि निबल का मतलब क्या होता है निबल भी एक यूनिट होती है इसमें बताएगा कितने बिट या कितने बाइट होते हैं नेक्स्ट बात है वन बाइट इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स तो वन बाइट में कितने बिट होते हैं तो आठ बिट होते हैं वन द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ डैश तो बिट का शॉर्ट बिट अगर देखा जाए बिट का लॉन्ग फॉर्म देखा जाए क्या होता है ये पूछा गया तो बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं द लेंथ ऑफ अ वर्ल्ड इन कंप्यूटर इज मेजर्ड बाय तो देखिए कोई भी वर्ल्ड है कंप्यूटर में तो उसकी जो लेंथ होती है उसको मेजर करने के लिए जो टर्म है वो क्या है बिट्स है नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटी एट हाउ मेनी बिट्स आर देर इन वन के बी तो वन किलो बाइट में ठीक है वन किलो बाइट में बताना है कितने बिट्स होते हैं तो वन किलो बाइट में बाइट कितने होते हैं वन जीरो टू फोर और वन में होता है कितना वन uh, में हो जाएगा एट वन बाइट में होता है एट बिट तो वन किलो बाइट में कितने बिट्स हो जाएंगे तो वन जीरो टू फोर को आप एट से मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है तो नाइन्टी एट का जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है वो आपका आ जाएगा एट वन नाइन टू ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन वन जीरो टू फोर के बी किलो बाइट्स आर इक्वल टू तो डैश तो वन जीरो तो टू फोर के भी जो होता है वो वन एम बी के बराबर होता है वन किलो बाइट इज इक्वल टू वन जीरो तो टू फोर बाइट हो जाएगा यहाँ पर देखिए बाइट बोला गया है अप्रोसीमेटली थाउजेंड बाइट या वन जीरो तो टू फोर बाइट्स तो यहाँ पर थाउजेंड नहीं लिखेंगे आप वन जीरो तो टू फोर जो कि ऑप्शन नंबर सी है उसको आप सही करेंगे स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज आपको बतानी है इसमें से कौन सी है तो और तो सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे बड़ी है वो है ठीक है आज जो आप लोग देखते होंगे वन टी का हार्ड डिस्क यूज़ होती है वन टी का मतलब होता है वन जीरो टू फोर जी बी वन एम बी इज़ इक्वल टू वन मेगा बाइट में कितने बाइट होते हैं तो ये होते हैं वन ज़ीरो टू फोर किलो वाइट ठीक है तो वन एम बी इज इक्वल टू वन जीरो टू फोर किलो वाइट नेक्स्ट पे आते हैं वन जीरो थ्री में कहा गया है इन कंप्यूटर लैंग्वेज हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन वन एम बी तो वन एम बी में कितने बाइट हो जाएंगे ठीक है मेग, वन मेगा बाइट में वन मेगा बाइट बोला गया याद रखिएगा ठीक है वन मेगा बाइट में पूछा गया है कितने क्या होंगे बाइट तो हो जाएंगे वन जीरो टू फोर जीरो 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 ठीक है बहुत आसान क्वेश्चन था वन मिलियन बाइट इज अप्रॉक्सीमेटली देखिए वन मिलियन बाइट की बात करी गई वन मिलियन बाइट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है तो वन मिलियन बाइट जो है वो वन एम के बराबर होता है मतलब वन मेगा बाइट के बराबर है नेक्स्ट पे आते हैं द टर्म एम बी इज़ यूज फॉर तो एम मेगा बाइट्स होता है बिट नहीं होता मेगा बाइट्स होता है नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर वन जीरो सिक्स में कहा गया है यूनिकोड एंड इनकोडिंग स्कीम रिप्रेजेंट्स अ करेक्टर एज अ ग्रुप ऑफ तो यूनिकोड इनकेटिंग इनकोडिंग जो स्कीम है वो कैरेक्टर uh, रिप्रेजेंट करता है विच इज अ ग्रुप ऑफ कितने का ग्रुप होता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है तो ये होता है सोलह बिट का ग्रुप नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन वन जीरो सेवन में कहा गया एन एक्सक्लूसिव प्राइवेट नेटवर्क यूज बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी इन अ सिंगल लोकेशन विल बी क्लासिफाइड एज तो देखिए कोई एक्सक्लूसिव प्राइवेट नेटवर्क है जो एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं किसी कंपनी में तो उसको क्या कहा जाता है ठीक है एक सिंगल लोकेशन पर जो यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग तो उसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क नेक्स्ट पे आते हैं वन जीरो एट एल एन लैंड का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क तो बी ऑप्शन इसका सही है वन जीरो नाइन में अ डेटा बेस इन डेटा बेस फील्ड इज तो फील्ड क्या होता है डेटा बेस में आपको बताना है तो फील्ड होती है कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ठीक है तो डेटा बेस में फील्ड होती है कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन विद रिलेशन टू कंप्यूटर एल्यू मीन्स तो एल्यू का मतलब क्या होता है अरेथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट तो बी ऑप्शन सही है वन 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 में कहा गया इन कंप्यूटर डिक्शनरी द लेटर सी डी सी डी क्या होता है कंप्यूटर में तो कॉम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटोकॉल मे बी यूज फॉर एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब तो वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ करी जाती है उसका नाम है एच टी टी पी हाईपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल नेक्स्ट पे आते हैं वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ एच टी टी पी तो वही हाइपर टेक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा तो इसमें बी ऑप्शन सही है नेक्स्ट में आएंगे कंप्यूटर हार्डवेयर विच कैन स्टोर अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा इज कॉल्ड तो देखिए ऐसा कंप्यूटर हार्डवेयर जो बहुत ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है उसका नाम क्या है आपको इस क्वेश्चन में बताना है तो इसमें आपका मैग्नेटिक टेप भी हो सकता है डिस्क भी हो सकती है तो इसमें सी ऑप्शन होगा दैट विल तो बी द करेक्ट आंसर पंद्रवें क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर तो इसमें हार्डवेयर कौन सा नहीं है तो कंपाइलर जो है ये एक हार्डवेयर नहीं है ठीक है ये एक सॉफ्टवेयर है या ये कह सकते हैं एक प्रोग्राम है नेक्स्ट पे आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर फिर से बताना है कौन सा हार्डवेयर नहीं है तो असेंबलर एक हार्डवेयर नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन वन हंड्रेड सेवेंटीन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर कौन सा हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर है एम एस एक्सेल जो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है ये हार्डवेयर नहीं है क्वेश्चन नंबर 18 में आएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर आपको बताना है इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है तो कंपाइलर क्या होता है ये एक सॉफ्टवेयर होता है ठीक है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड पे आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है दैट इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफर्ड एज इंडिपेंडेंट सर्विस लेयर इन क्लाउड कंप्यूटिंग अब देखिए पूछा गया कौन ऑफर नहीं करता है इंडिपेंडेंट सर्विस लेयर को कौन ऑफर नहीं करता है क्लाउड कंप्यूटिंग में ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है तो हार्डवेयर एज अ सर्विस ठीक है तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन वन ट्वेंटी वन में कहा गया ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज न्यूनेस तो ब्रेन क्या होता है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है डी ऑप्शन सही है विच ऑफ द फॉलो इज नॉट अ हार्डवेयर आपको बताना रहे कौन हार्डवेयर नहीं है तो प्रिंटर की बोर्ड माउस हार्डवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है ठीक है वन वन थ्री वन टू थ्री में आते हैं इंडेक्स होल इज़ रिलेटेड टू तो इंडेक्स होल जो है वो किससे रिलेटेड है तो फ्लॉपी डिस्क से रिलेटेड होता है इंडेक्स होल आई आर क्यू सिक्स इज कॉमनली असाइन टू देखिए आई आर क्यू जो सिक्स है ये किससे किसके लिए टर्म ये यूज़ हो रहा है तो ये फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर के लिए टर्म यूज़ होता है पहले फ्लॉपी यूज़ करी जाती थी ठीक है अब इसको यूज़ नहीं किया जाता है ठीक है साइज होता था साढ़े तीन इंच नेक्स्ट पे आते हैं प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स कंप्यूटर बेसिक फंक्शन तो कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को जो प्रोग्राम कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर एज तो कंप्यूटर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है सी है सी पी यू स्टैंड फॉर तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा आसान क्वेश्चन है वन वन टू एट में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर वर्ल्ड प्रोसेसिंग तो वर्ल्ड प्रोसेसिंग के लिए एम एस वर्ल्ड यूज़ करते हैं वर्ल्ड प्रोसेसिंग स्प्रीड शीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ तो ये एक तरीके की क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ठीक है तो वन ट्वेंटी नाइन में ए ऑप्शन सही है एम एस वर्ल्ड जो पूछा गया एम एस वर्ल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एम एस वर्ल्ड क्या है तो एक तरीके का एम एस वर्ल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो डी ऑप्शन इसका सही है वन थर्टी वन में कहा गया एम एस वर्ल्ड इज़ यूज फॉर तो एम एस वर्ल्ड क्यों यूज़ होता है तो प्रोसेसिंग टेक्स्ट डेटा तो टेक्स्ट डेटा को प्रोसेस करने के लिए एम एस वर्ल्ड हम लोग यूज़ करते हैं अब वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो और एम पी थ्री इज़ अ डैश ठीक है तो वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया वीडियो हो गया एम पी थ्री फाइल हो गई तो ये सब क्या है एक तरीके की फ़ाइल है ठीक है सी ऑप्शन सही है नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 133 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ 3G कंप्यूटर तो 3G कंप्यूटर में जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो आपको बताना है क्या है तो ये होता है आईसी ठीक है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसी बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पे आते हैं मिनिचराइजेशन ऑफ प्रेजेंट डे कंप्यूटर हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू द यूज़ ऑफ तो देखिए आजकल जो कंप्यूटर्स हैं बहुत छोटे छोटे बने बनाए जा रहे हैं तो किस वजह से थे तो वो थे आई की वजह से नेक्स्ट पे आते हैं 135 में क्या कहा गया व्हाट इज़ द मटेरियल यूज इन मैनुफैक्चरिंग ऑफ आईसी चिप्स ठीक है तो आईसी चिप जो है वो किसकी बनी हुई होती हैं तो बनी हुई होती हैं सिलिकॉन की ठीक है और अगर इंडिया की सिलिकॉन वैली आपसे पूछी जाए तो बैंगलोर है वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली पूछी जाए तो ये कैलिफोर्निया है नेक्स्ट पे आते हैं वन में कहा गया आईसी चिप आर यूजली मेड ऑफ तो आईसी चिप किसकी बनी होती है सिलीकॉन की बनी हुई होती हैं आईसी चिप्स आर मेड अप ऑफ सेमी कंड़क्टर. किसकी बनी होती है सेमी जिसमें सिलिकॉन का एक सेमी कंडक्टर है आई सी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देखिए आईसी को क्लासिफाई करने का बेसिस क्या है आपको इस क्वेश्चन में बताना है तो कितने ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं उसमें यह बेसिस होता है आई सी को क्लासिफाई करने का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो आपको बताने में कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है तो मॉडर्न इज अ सॉफ्टवेयर गलत है हेल्थ एंड स्टेजलाइजिंग वोल्टेज गलत है ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही है मॉडर्न कन्वर्स एन लॉग इन टू डिजिटल एनवाइसी वर्सा मतलब मॉडर्न क्या करता है मॉड्यूलेटर तो एनालॉग को पहले डिजिटल में फिर डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है ठीक है ये एन को डिजिटल में पहले कन्वर्ट करेगा और फिर डिजिटल को एन में कन्वर्ट करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 140 में कहा गया द डिवाइस बाय विच डेटा आर ट्रांसफर्ड बाय टेलीफोन विद हेल्प ऑफ बाइनरी सिग्नल तो देखिए जो डिवाइस जिससे डेटा को ट्रांसफ़र किया था बाइनरी सिग्नल के रूप में उसको कहते हैं मॉडर्न अब मॉडर्न कन्वर्ट्स मॉडर्न क्या करता है तो डिजिटल को बाइनरी डिजिटल uh, को एनालॉग में कन्वर्ट करता है एनालॉग को डिजिटल में भी कन्वर्ट करता है तो इसीलिए इसका नाम है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट पे आते हैं 142 फोर्टी टू सच डिवाइस विच कन्वर्ट्स डेटा इंटू इम्पल्स एंड ट्रांसमिटेड थ्रू टर्नमल ऑफ देखिए वही सेम बात करी गई यहाँ पर मॉडर्म का ही फंक्शन पूछा गया आपसे ठीक है मतलब जो जो डिजिटल डेटा है उसको पहले एनलॉग में फिर एनलॉग को डिजिटल में ऐसे करके जो कन्वर्जन हो रहा है वो कौन कर रहा है मॉडर्न कर रहा है ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं 143 फोर्टी थ्री मॉडर्न इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इंटरफेसेस ठीक है अब देखिए जो हाँ, जो मॉडम है वो किसके किसके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है इंटरफेस बनाता है तो कंप्यूटर लाइन और कंप्यूटर के बीच में ये टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिंग डिवाइस अब आपको बताना है इसमें से कनेक्टिंग डिवाइस कौन सी है तो राउटर हो गया हब हो गया स्विच हो गया तीनों तीनों कनेक्टेड डिवाइस है तो इसमें जो डी ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर रॉम इज़ अब रॉम क्या होता है तो रीड ओनली मेमोरी होता है ये रीड ओनली है इसीलिए ठीक है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा सेलरॉन पेंटियम एंड कोर सीरीज आर एग्जाम्पल ऑफ तो एक प्रोसेसर्स हैं ठीक है तो ये कंप्यूटर के प्रोसेसर्स हैं सेलरॉन पेंटियम और कोर सीरीज ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं इन कंप्यूटर द परमानेंट मेमोरी इज कॉल्ड तो परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है कंप्यूटर में तो होती है आर ओ एम रॉम रॉम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी ठीक है टेम्परेरी मेमोरी होती है ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट में कहा गया आप मीन्स ऑफ स्पेसिफाइंग लोकेशन ऑफ डेटा एंड मेमोरी इज कॉल्ड ठीक है तो लोकेशन को स्पेसिफाई करने का जो मीन्स होता है उसको क्या कहा जाता है किसी भी डेटा को स्पेसिफाई करना है तो उसको कहा जाएगा क्या एड्रेस तो इसमें बी ऑप्शन सही है सी डी रोम का मतलब क्या होता है ठीक है सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी तो इसमें बी ऑप्शन सही है सी डी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी नेक्स्ट पे आते हैं 150 में देखते हैं इन सुपर टर्नो इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रैम स्टैंड तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी ठीक है नेक्स्ट पे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर में, में कहा गया अ नेम फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑफ कंप्यूटर दैट इज लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ तो देखिए जब कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं तो वो मेमोरी जो लॉस हो जाती है उसको क्या कहता है तो उसको कहते हैं रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल मेमोरी बिटवीन सी पी ओ मेन मेमोरी तो देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो ऐसी जो मेमोरी है ये कौन सी है तो कैश मेमोरी है नेक्स्ट पे आते हैं 153 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी नहीं है तो ड्रम पेन प्लॉटर सी आर टी मोटर्स ईयरफोन डिजिटल कैमराज तो इसमें अगर देखा जाए तो 153 में जो डिजिटल कैमरा है ये एक इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस नहीं होती है तो इसमें डी ऑप्शन सही है वर्ल्ड प्रोसेसर स्प्रेड शीट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एक तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं 155 में कहा गया द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेल स्प्रेड शीट वेयर वी एंटर डेटा तो देखिए जो एक्सेल आप लोग ने देखी होगी एक्सेल में जहां पर आप एंटर करते हैं डेटा को उसको कहा जाता है सेल तो 155 में सेल विल बी द करेक्ट आंसर कोबोल क्या है कोबोल एक तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज है तो इसमें बी ऑप्शन सही है, है। औरकल पूछा गया है अगले क्वेश्चन में औरकल क्या होता है तो औरकल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी नहीं है डेटा बेस्ड सॉफ्टवेयर है और एक्कल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर तो कौन सी लैंग्वेज नहीं है तो इसमें फास्ट जो है ये कोई लैंग्वेज नहीं है बाकी तीनों तीनों जो हैं वो लैंग्वेज है जिसमें बेसिक का फॉर्म होता है बिजनेस ऑल परपजेस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड फॉर का मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेटर 159 पे आते हैं विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं है तो जावा रोम तो रोम जो है वो लैंग्वेज नहीं है दैट इज रैंडम रीड ओनली मेमोरी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 160 देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज तो कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है तो पेंट ब्रश जो है ये कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है नेक्स्ट पे आएंगे वन में कहा गया ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज अब बताना है इसमें से साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है ठीक है तो साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है इसमें से तो फॉर ट्रैन तो जो है ये एक साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है फॉर्मुला ट्रांसलेटर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 162 है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बेसिक क्या है तो बेसिक एक लैंग्वेज है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं 163 में कहा गया है वर्ल्ड वर्क ऑफ असेंबलर इज टू असेंबलर का काम क्या होता है तो असेंबलर का काम का होता है ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है असेंबलर नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन वन सिक्सटी फोर द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट तो कंप्यूटर जो एग्जीक्यूट कर सकता है अंडरस्टैंड कर सकता है ऐसी लैंग्वेज को क्या कहा जाता है तो ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं हम लोग मशीन लैंग्वेज नेक्स्ट पे आते हैं वन सिक्सटी फाइव इफ ए डोमेन नेम एंड डॉट डॉट ई डी यू तो डॉट ई डी यू से अगर एंड हो रही है डॉट यू एस से एंड हो रही है यू एस का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स की है और ई डी यू मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है so, तो एजुकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा ये हो जाएगा यू एस नेक्स्ट पे आते हैं वन में कहा गया डॉट कॉम अगर लगा है किसी भी वेबसाइट में तो वो कैसी कम मतलब कैसी वेबसाइट है तो वो एक कमर्शियल वेबसाइट है तो इसमें डी ऑप्शन सही है नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट में कहा गया ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड डोमेन फॉर नेम एक्सटेंशन ठीक है तो नेम एक्सटेंशन का वैलिड डोमेन इनमें से कौन सा है वन में पूछा गया है ठीक है तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है वो है डॉट कॉम भी है कॉमर्स वाली डॉट नेटवर्क नेट भी हो नेटवर्क से रिलेटेड डॉट गोव है गवर्नमेंट से रिलेटेड तो इसका आंसर हो जाएगा डी दैट इज़ ऑल ऑफ दिस टू इंक्रीज़ द लेंथ ऑफ अ नेटवर्क विदाउट लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ देखिए हम लोग को अगर सिग्नल स्ट्रेंथ का लॉस नहीं चाहिए और हम लोग लेंथ ऑफ नेटवर्क बढ़ाना चाह रहे हैं तो किसका यूज़ किया जाना चाहिए आपको बताना है इस क्वेश्चन में क्या होगा तो इसमें रिपीटर का यूज़ किया जाता है नेक्स्ट क्या इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एस बी स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सीरियस सीरियल बस होता है इसका मतलब नेक्स्ट में सेवेंटी में कहा गया द प्लेस द प्लेस वेयर एक्सेसरीज आर कनेक्टेड इन कंप्यूटर आर नोन एज तो वो प्लेस जहाँ पर एक्सेसरीज़ को कनेक्ट किया जाता है तो उसको कहते हैं पोल्ट ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं वन सेवेंटी वन पासवर्ड इन कंप्यूटर प्रोटेक्ट्स तो पासवर्ड क्या प्रोटेक्ट करता है तो अनऑथोराइज एक्सेस को प्रोटेक्ट करेगा ठीक है सिस्टम का कोई भी अनऑथोराइज एक्सेस ना ले सके पासवर्ड उसको प्रोटेक्ट करता है वन सेवेंटी टू में कहा गया विच इन्फो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी यूज टू फाइंड आउट द यूज़र्स ई मेल एड्रेस तो यूज़र ई मेल एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए ठीक है क्या कौन सी टर्मोलॉजी यूज़ होती है तो so, जो टर्मोलॉजी है दैट इज़ कॉल्ड फिंगर नेक्स्ट पर आते हैं वन सेवेंटी थ्री में कहा गया है वन सेवेंटी थ्री ऑन विच प्रिंसिपल डिजिटल कंप्यूटर वर्क तो डिजिटल कंप्यूटर किस पे काम करता है तो लॉजिक्स पर काम करता है ठीक है तो वन सेवेंटी थ्री में डी ऑप्शन सही है वन सेवेंटी फोर में विच वर्क इज नॉट डन बाई कंप्यूटर तो वो कंप्यूटर कौन सा काम नहीं करेगा कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग अंडरस्टैंडिंग आउटपुटिंग तो यहां पर अगर देखा जाए वन सेवेंटी फोर में अंडरस्टैंडिंग नहीं करता कंप्यूटर ठीक है नेक्स्ट में आएंगे वन सेवेंटी फाइव देखेंगे वन सेवेंटी फाइव क्या कह रहा है विच इज द फॉलोइंग एक्सप्रेस एरर इन कंप्यूटर ठीक है एक्सप्रेस एरर एरर को एक्सप्रेस करने के लिए कंप्यूटर में क्या यूज़ किया जाता है तो वो है टर्म बग ठीक है बग विल बी द करेक्ट आंसर अगले क्वेश्चन में आते हैं ओ एम आर का फुलफॉर्म पूछा गया है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है ओ एम आर का फुलफॉर्म नेक्स्ट में आएंगे क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी सेवन सेन्ट में कहा गया विच वन इज मेनली यूज इन चेकिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर पेपर इन दी एग्जामिनेशन तो जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स देते हो एग्जामिनेशन में तो जो उसको चेक करने के लिए जो सिस्टम यूज़ होता है उसको कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर ठीक है reader, तो उसमें क्या हो जाएगा उसमें बी ऑप्शन सी हो जाएगा दैट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर विल बी द करेक्ट आंसर 178 पे आते हैं आई आर सी का मतलब बताना है आई आर सी का मतलब क्या होता है ठीक है तो यहाँ पर पूछा गया आपसे कि आई आर सी का फुल फॉर्म क्या होता है तो आई आर सी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आई आर सी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट रिले चैट तो इसमें बी ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन 179 पे आते हैं कैड का फुल फॉर्म पूछा गया कैड का होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन गवर्नेंस इज़ नोन एज तो कंप्यूटर को अगर गवर्नेंस में यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है तो इसको कहा जाता है ई गवर्नेंस ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं वन में कहा गया कंप्यूटर डिराइव इज स्ट्रेंथ फ्राम तो कंप्यूटर की जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ से डिराइव होती है तो वो डिराइव होती है कहाँ से ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है ठीक है तो ये डिराइव होती है कहाँ से तो स्पीड से डिराइव होती है एक्यूरेसी मेमोरी तीनों तीनों सही है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज वन एटी टू में आते हैं मल्टी मीडिया कैन कंटेन अब मल्टी मीडिया का मतलब क्या होता है मल्टी मीडिया का मतलब होता है ग्राफिक हो उसमें एनिमेशन हो वीडियो हो म्यूजिक हो और वॉइस हो तो इसमें बी ऑप्शन सही है प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मोर देन वन टाइप ऑफ मीडियम इन कंप्यूटर एट द सेम टाइम तो देखिए एक से ज़्यादा तरीके के कोई भी आप मीडिया यूज़ कर रहे हो तो उसको कहते हो आप मल्टी मीडिया नेक्स्ट पे आते हैं 184 एट्टी फोर द एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी एबिलिटी की एक से ज्यादा मतलब प्रोग्राम एक से ज्यादा एप्लीकेशन को रन कर सकता है तो उसको कहते हैं मल्टी टास्किंग नेक्स्ट पे आएंगे वॉट कैन वी वॉट कैन वी सेंड थ्रू वीडियो मेल तो वीडियो मेल के थ्रू हम लोग क्या सेंड कर सकते हैं ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में तो ग्राफिक सेंड कर सकते हैं वीडियो क्लिप वीडियो मैसेजेस तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है आपको है इस क्वेश्चन में तो कंडक्ट ऑफ वीडियो कॉल्स यूजिंग टेलीकॉम टेक्नोलॉजी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक तरीके से क्या है वीडियो कॉल कंडक्ट करना टे, टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन वन ट्वेंटी वन एट्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज कम्पल्सरी फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या चीज़ जरूरी है तो वेब कैम होना जरूरी होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे वन एट्टी एट है ई मेल में ई e का मतलब क्या होता है तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है नेक्स्ट पे आएंगे व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस तो ईमेल एड्रेस के दो पार्ट होते हैं क्या क्या होते हैं आपको बताना है तो यूज़र नेम होता है और साथ ही साथ डोमेन नेम होता है तो इसमें डी ऑप्शन सही है नेक्स्ट पे आते हैं वन नाइनटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री ई मेल सर्विस प्रोवाइडर तो इसमें फ्री ई मेल सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है तो हॉटमेल भी है रेडिफ भी है याहू भी है तीनों के तीनों सही है तो ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर वन नाइटी वन वट काइंडफ डिजिटि फाइल्स कैन भी अटैच थ्रू ई मेल तो ई मेल के थ्रू जो फाइल हम लोग अटैच कर सकते हैं वो कौन सी होंगी म्यूजिक डॉक्यूमेंट फोटो सब कुछ अटैच कर सकते हैं तो ऑल ऑफ़ दिस विल बी द करेक्ट आंसर वन नाइनटी टू में विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइल्स कैन बी सेंट एज एन अटैचमेंट तो ई मेल अटैचमेंट में हम लोग जो फाइल सेंड कर सकते हैं वो कौन सी फाइल होगी तो so, ये टेक्स्ट भी हो सकती है ऑडियो भी हो सकती है वीडियो भी हो सकती है तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी द नेक्स्ट में आएंगे वन नाइन्टी टू वन नाइन्टी थ्री वॉट इज सिंगुलर ऑफ डेटा तो डेटा का सिंगुलर फॉर्म क्या है बताना है आपको तो वन नाइन्टी थ्री में डेटम ठीक है तो सिंगुलर फॉर्म इसका कहलाएगा डेटम द वर्ल्ड ब्लॉग इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ल्ड्स ठीक है तो जो ब्लॉग है ये दो वर्ल्ड का कॉम्बिनेशन है कौन कौन से दो वर्ल्ड हैं तो वेब और लॉग ठीक है तो व्लॉग में दो बातें आती हैं वेब आता है और ब्लॉग आता है लॉग आता है नेक्स्ट पे आते हैं स्टक्स नेट वॉर्म डिटेक्टेड इन कंप्यूटर्स ऑफ ईरान इज़ अब देखिए स्टक्सनेट नाम का एक वॉर्म डिटेक्ट किया गया था वायरस डिटेक्ट किया गया था ईरान में बताना इसका काम क्या था मतलब इसने क्या कर दिया था ठीक है यहाँ पर जो बी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट अ मेलेसियस प्रोग्राम टू सेबोटेज न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूग्स ठीक है तो इसमें बी ऑप्शन सही है नेक्स्ट पे आते हैं 196 में कहा गया डैश इज़ प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स तो कमांड को कैरी आउट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिंग नेक्स्ट पे आते हैं मेन्यू कंटेंस और लिस्ट ऑफ तो मेन्यू जो होती है वो वो लिस्ट होती है किसकी लिस्ट होती है कमांड्स की वो एक लिस्ट होती है 198 में कहा गया साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी ठीक है डिपेंड्स ऑन तो वर्चुअल मेमोरी का जो साइज होता है किस पे डिपेंड करता है तो डिस्क की स्पेस पे डिपेंड करेगा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन तो आपको बताना इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है तो ऑर्कुट जो है ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट थी पहले चलती थी अब बंद हो चुकी है ये एक सर्च इंजन नहीं है ठीक है जैसे फेसबुक है जैसे व्हाट्सएप है तो पहले ऑर्कुट हुआ करता था नेक्स्ट पे आते हैं टू हंड्रेड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन आपको बताना इनमें से सर्च इंजन कौन सा है तो सर्च इंजन कौन सा इनमें से बाइडू जो है वो एक सर्च इंजन था आज फिलहाल इसको नहीं यूज़ करते हम लोग द सेट ऑफ़ प्रोटोकॉल्स विच डिफाइंस ऑल ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस अक्रॉस द इंटरनेट तो सेट ऑफ़ प्रोटोकॉल्स होती है ठीक है जो डिफाइन करता है जो भी ट्रांसमिशन होता है जो भी एक्सचेंजेस होते हैं इंटरनेट पे तो वो सेट ऑफ़ प्रोटोकॉल्स क्या कहलाता है तो सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स कहलाएगा टी सी पी आई पी ठीक है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट में क्या कहा गया है ट्वेंट सेकेंड क्वेश्चन हाउ मेनी डेज विल पिक्चर मैसेज स्टे इन प्राइवेट इनबॉक्स तो प्राइवेट इनबॉक्स में जो पिक्चर मैसेज है वो कितने दिन तक रहता है तो वो रहता है तीस दिन तक तो इसमें बी ऑप्शन सही है नेक्स्ट में आता है द फुल फॉर्म ऑफ सिम सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल मॉड्यूल होता है मशीन नहीं होता तो इसमें ए ऑप्शन सही है ठीक है टू हंड्रेड फोर्थ में पूछा गया कि आई सी टी फॉर्म क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है तो इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू जीरो फाइव में पूछा गया एस एम एस तो शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है या शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है बी ऑप्शन इसका सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैकिंग हैकिंग का मतलब क्या होता है 206 में पूछा गया है तो सर्चिंग सिक्योरिटी बोथ ए एंड बी नन ऑफ दी अबव ठीक है above, तो हैकिंग तो देखिए हैकिंग का मतलब ना ही सर्चिंग है ना ही सिक्योरिटी है सिक्योरिटी को ब्रेक करने का काम होता है हैकिंग में तो यहाँ पर डी हो जाएगा नन ऑफ दी अबव विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्लास पे आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टू हंड्रेड सेवन है अ कंप्यूटर हैकर एक कंप्यूटर हैकर कौन होता है अ पर्सन हु वायलेट्स कंप्यूटर सिक्योरिटी विद मिलेशियस इंटेंशन फॉर पर्सनल गेन तो पर्सनल गेन के लिए जो भी वो कंप्यूटर की सिक्योरिटी को वायलेट करता है तो उसको कहते हैं हैकर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड एट में बोला गया साइबर क्राइम इज तो साइबर क्राइम क्या है आपको बताना है तो साइबर क्राइम में अगर देखा जाए हैकिंग भी आता है स्टॉकिंग भी आता है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स भी आता है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा इन तो BI, कंप्यूटर बताना है इस क्वेश्चन में तो रिसाइड करता है हार्ड डिस्क पे बायोस कहां पर स्टोर होता है हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है 210 पे आते हैं टू हंड्रेड टेन क्वेश्चन नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर अब देखिए नेटवर्किंग जो होती है कंप्यूटर की क्या करता है इंक्रीज़ चांसेस ऑफ थ्रेट्स ठीक है इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ कंप्यूटर सही है इंक्रीज द इंफॉर्मेशन एक्सेस पॉसिबिलिटीज़ तीनों तीनों सही हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ़ दी अबव हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे दो सौ ग्यारहवें क्वेश्चन क्या कहा गया डेटा सिस्टम यूज़ फॉर प्लानिंग प्लानिंग और कॉल्ड देखिए प्लानिंग के लिए जो डेटा सिस्टम यूज़ करते हैं उसको क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाएगा डिसीजन एनालिसिस सिस्टम ठीक है बी ऑप्शन सही है दो सौ बारहवीं में कहा गया है द स्पीडोमीटर ऑफ कार रिप्रेजेंट्स तो स्पीडोमीटर जो है वो कैसा होता है मतलब क्या होता है तो ये एक तरीके का डिजिटल कंप्यूटर है ठीक है तो बी ऑप्शन सही है 213 में कहा गया जब फॉलोइंग मेमोरीज है शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम तो शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम किसके किस मेमोरी -किस के पास होता है ये होता है कैच मेमोरी के पास जैसे आप रिफ्रेश करते हैं तो कैच मेमोरी फिर से रिन्यू हो जाती है ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट में क्या कहा गया 214 है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ फास्टेस्ट मेमोरी तो बताना है फास्टेस्ट मेमोरी इनमें से कौन सी है तो कैच मेमोरी जो होती है वो फास्टेस्ट मेमोरी है रिटर्न प्रोग्राम्स यू टू बच कंप्यूटर फंक्शन इन डिज़ायर्ड वे आर कॉल्ड तो देखिए रिटर्न प्रोग्राम्स होते हैं जिससे कंप्यूटर फंक्शन करता है डिज़ायर्ड वे में तो उसको क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं टू हंड्रेड सिक्सटी एन अदर नेम फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम तो कंप्यूटर प्रोग्राम का एक और दूसरा नाम क्या 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 है तो इसको कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 217 व्हिच ऑफ द व्हिच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर तो कंप्यूटर का कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में तो कंप्यूटर का कंपोनेंट बेसिक यूनिट नहीं है ठीक है इनपुट यूनिट है आउटपुट है मेमोरी यूनिट बेसिक यूनिट नहीं होता है माइक्रोसॉफ्ट क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है आप लोग को पता होगा सॉफ्टवेयर डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है तो माइक्रोसॉफ्ट क्या डेवलप करता है सॉफ्टवेयर डेवलप करता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 219 देखिए क्या कह रहा है हु इज़ द चीफ ऑफ विप्रो तो विप्रो के जो चीफ हैं वो कौन है अजीम प्रेम जी हैं हु इज़ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट ई कॉमर्स कंपनी ऑफ इंडिया तो इंडिया की अगर सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी देखी जाए तो वो कौन सी है तो वो है फ्लिपकार्ट ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं स्काई ड्राइव इज द नेम ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज़ तो स्काई ड्राइव जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है लेकिन किस कंपनी की है ये आपको बताना है इसमें आंसर क्या होगा ठीक है तो जो स्काई ड्राइव है किस कंपनी से रिलेटेड है ये रिलेटेड है किससे बी एस एन एल से रिलेटेड है तो इसमें बी ऑप्शन सही है टू ट्वेंटी टू पर आते हैं प्रोजेक्ट लून समाइम्स इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू तो प्रोजेक्ट लून जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है तो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है प्रोजेक्ट लून द वेब पोर्टल डी एस सी एन ई टी डेकनेट जो है ये वेब पोर्टल है किसका है किससे रिलेटेड है तो ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है ठीक है तो ये है एग्रीकल्चर से रिलेटेड मतलब ई e एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे क्वेश्चन नंबर टू ट्वेंटी फोर में द फुल फॉर्म ऑफ आई बी एम तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स हैं बी ऑप्शन इसका सही है एच टी एम एल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ये तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है यू आर एल का फॉर्म पूछा गया तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है सी ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है एफ टी पी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा टू ट्वेंटी एट एस एम पी एस बहुत इंपॉर्टेंट है एस एम पी एस आपसे पूछा गया है एस एम पी एस क्या होता है तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई तो इसमें ए ऑप्शन सही है ठीक है यू पी एस का फॉर्म पूछा गया है तो यू पी एस होता है अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई यू पी एस आप लोग ने देखा होगा कंप्यूटर में लगाया जाता है कि मान लिया लाइट चली आती है तो वो थोड़ी देर के लिए चलता रहता है बैकअप देता है टू थर्टी में आते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्लैश मेमोरी तो फ्लैश मेमोरी से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में ठीक है यूज फॉर इन्फॉर्मेशन स्टोरेज इन डिवाइस लाइक डिजिटल कैमरा सही है ठीक है इट कैन ऑपरेट इन एक्सटेंडेड टेम्परेचर ऑपरेट कर सकता है इट इज़ चीपर देन नॉर्मल मैकेनिकल डिश ड्राइव्स इट कंज्यूम्स लेस पावर ठीक है तो टू थर्टी में बताना था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो यहाँ पर जो डी स्टेटमेंट जो सी स्टेटमेंट है ये आपका गलत है चीपर देन नॉर्मल मैकेनिकल ड्राइव से चीपर नहीं होता ये मतलब महंगी होती है नेक्स्ट में आएंगे क्वेश्चन नंबर 231 देखिए द मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज़ नोन एज तो जो मेन बोर्ड होता है कंप्यूटर का उसको क्या कहा जाता है तो उसको कहते हैं मदर बोर्ड तो इसमें बी ऑप्शन सही है द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट विद आईसी चिप्स तो आईसी चिप के साथ में जो पहला कंप्यूटर बना था उसका क्या नाम था तो उसका नाम था आई सिस्टम ऑब्लिक थ्री हाउ मनी मिनिमम नंबर ऑफ़ नंद गेट्स तो कितने नैंड गेट्स की जरूरत पड़ती है एक्जॉर फंक्शन के लिए तो एक्जॉर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए फ़ोर नंद गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो फोर विल बी द करेक्ट आंसर टू थर्टी फोर में कहा गया वन ऑफ द फर्स्ट वायरस टू अट्रैक्ट वाइड स्प्रेड पब्लिक अटेंशन वॉज डिज़ाइन टू इन्फेक्ट एम एच डॉस तो एम एस डॉस को इन्फेक्ट करने के लिए पहला वायरस बनाया गया था दुनिया का और कब बना था 6 मार्च उन्नीस को बताना है उस वायरस का नाम क्या था तो टू थर्टी में नाम बताना है उस वायरस का तो उसका नाम था माइकल एंजिलो ठीक है तो माइकल एंजलो उसका नाम था वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज क्लेम टू बी चीपेस्ट टैबलेट पी ऑफ द वर्ल्ड तो चीपेस्ट टैबलेट पी सी इनमें से बताना है आपको कौन सा है तो चीपेस्ट टैबलेट पी अगर आप देखेंगे तो ये है आकाश टू थर्टी सेवन में कहा गया इन्हांसमेंट ऑफ़ यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट इज़ दी स्ट्रेटजी ऑफ डैश ठीक है तो इंफॉर्मेशन इन, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना ठीक है डेवलपमेंट जो इन्हांसमेंट ऑफ द यूज ऑफ जो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसको इन्हांस करना डेवलपमेंट के लिए ये आपको बताना है किस सरकार ने स्टार्ट किया था तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है हालांकि लेकिन फिर भी इसका आंसर बता देते हैं अब तो सारी सरकारें यूज़ कर सकती हैं सारी सरकारें यूज़ करें तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा वैसे द टर्म इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो टर्म है वो वो क्या है तो वो कनेक्टिविटी और हार्डवेयर से रिलेटेड है ठीक है टू थर्टी नाइन पर आते हैं अब देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर क्या होता है तो कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस केबल ऑफ स्टोरिंग डेटा ठीक है एनलाइजिंग डेटा ठीक है मेनटेन टोटल सीक्रेसी भी ठीक है इस समटाइम्स अटैक बा वायरस सी बी से तो इसके चारों चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन टू फोर्टी देखेंगे ड्यू टू इम इंडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एंड यूज कंप्यूटर ऑफ दी और देयर पार्ट्स पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज इन टू इनवायरमेंटल वेस्ट ठीक है तो अगर उसका सही से डिस्पोजल नहीं किया जाएगा तो जो इन्वायरमेंटल वेस्ट क्रिएट होगा वो किसका किसका होगा ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में ठीक है तो वन मतलब बेरिलियम का होगा कैडमियम का भी होगा इसके साथ ही साथ जो क्रोमियम है इसका भी होगा हेप्टाक्लोर का यहाँ कोई मतलब नहीं है इसका कोई भी मतलब वेस्ट नहीं आएगा ये जो फाइफ है और सिक्स है इसका भी वेस्ट आएगा तो प्लूटोनियम और हेप्टाक्लोर इसमें इन दोनों का वेस्ट नहीं होगा बाकी इन सब का कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट होगा इन सबसे ठीक है विद रेफरेंस टू लाइफ आई अब लाइफ आई से रिलेटेड आपको बात बतानी है कि कौन सा स्टेटमेंट लाइफ आई से रिलेटेड करेक्ट है ठीक है तो पहला दिया गया इट इज़ यूज एज लाइट एज मीडियम फॉर हाई ट्रांसमिशन हाई डेटा ट्रांसमिशन के लिए लाइट को यूज़ करता है लाइफ फाई टेक्नोलॉजी लाइट फडिलिटीज़ को कहते हैं बिल्कुल सही है और सेकंड में कहा गया इट इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड सेवरल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई वाईफाई वायरलेस फेडिलिटी होती है तो वाईफाई से ज़्यादा फास्ट होता है क्योंकि ये लाइट को यूज़ करता है ठीक है नेक्स्ट कहेंगे टू फोर्टी टू कंप्यूटराइजेशन ऑफ सिस्टम नीड्स अब कंप्यूटराइजेशन अगर आप कर रहे हैं सिस्टम का इसकी नीड क्या है ठीक है इट ये क्या क्या रिक्वायर करता है ए विल डू इट ठीक है विल डू इट रिलेटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर अल्ट्रा मॉडर्न स्ट्रक्चर तो इसमें अगर देखा जाए तो सारे के सारे स्टेटमेंट फिर से इसका सही हो जाएंगे कंप्यूटराइजेशन में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी अब देखिए कंप्यूटर मेमोरी के आपसे टाइप पूछे गए इनमें से कंप्यूटर मेमोरी के टाइप कौन कौन से हैं तो इसमें जो फर्स्ट बोला गया सेमीकंडक्टर मैग्नेटिक सर्वर और ऑप्टिकल ठीक है तो इसमें देखिए इसमें फर्स्ट सही है सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है मैग्नेटिक भी होती है सर्वर नहीं होती ऑप्टिकल भी होती है तो वन टू फोर इसमें सही आंसर हो जाएगा तो ये जो क्वेश्चन डिस्कस किए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और कहीं ना कहीं सारे कॉम्पिटिशन में ये पूछे गए और पूछे जाएंगे तो आजकल फिलहाल नहीं रखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए सेशन के साथ फिर से मुलाकात होगी टिल देन थैंक यू वेरी मच गुड बाय जय हिंद